There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away, heading to the sun, only you and me. आज है रोज डे, हैप्पी रोज डे एवरीवन। तो मैंने सौरभ के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा है यहाँ पे। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, आप देखिए यहाँ का माहौल। ओह माय गॉड, हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैं सौरभ पे ना यहाँ पे बुलाती हूँ। वो सुबह सुबह मॉर्निंग में ना हॉट वाटर पीता है, तो मैंने उसके लिए यहीं पे पानी रखा है, रोज़ भी रखती है। तो लेट्स सी कि सौरभ क्या कर रहा है। सौरभ, गुड मॉर्निंग एंड है वेलकम बैक टू ईच एंड सौरभ। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अभी। ओके, हेलो गाइस। तुम्हारा पानी रखा है मैंने बाहर, तुमने कहा था ना। हाँ। तुमने नहा लिया है क्या? वेला हो गए वेले, बार बार उधर रखा है। हैप्पी रोज डे मेरे कुकु मुकु, हैप्पी रोज डे, हैप्पी रोज डे। वैलेंटाइन वीक का स्टार्ट हो चुका है और आज हमने भगवान आज 7 फरवरी, आज पहला दिन है, आज वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो चुका है। और कुछ पूछना है? थैंक यू। मेरा रोज इतना बड़ा रोज मेरा फूल मुझे दे रहे हो, ये भगवान। और ये गलत बात है, शाम को दे देना। चलो फिर, खुद ही अपना रोज मांग रहे हैं, शाम को दे देना। कोई बात नहीं, अगे पूरा आई थिंक वैलेंटाइन वीक है तो पूरा हफ्ता ही है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। रोज डे चलेगा, चॉकलेट डे चलेगा, और कौन सा चलते हैं, हग डे, टैडी डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, प्रॉमिस डे। तुमने रोज किया, मैं एंड कर दूंगा वैलेंटाइन डे पे। भाई जा, ये सही है। पानी पी लूं, ठंडा हो रहा है। फोटो लगी हमारी, रिमेम्बर ये वाली फोटो कहाँ की है? ये इजिप्ट की है। तुम इसमें देखना कितने चिकने लग रहे हो, छोटू से। मैं अब तुमने दाढ़ी बना ली है ना, पर तब तुम्हारा वेट 68-69 केजी था। और ये देखो इसमें थोड़ी सी दाढ़ी आ गई है। अब तुम्हारा वेट 72 केजी है, तो डिफरेंस तो दिख रहा है ना। गाइस आप बताना, इसको वापस ऐसा बन जाना चाहिए कि ऐसा ही रहे? नहीं, ऐसा रहे कि ऐसा रहे, ये आप कमेंट करके बताओ। चलो अब सौरभ वही करेगा। मैचो ठंड बढ़ी है यार, बिना रोज तो उठा लो, वो भी उठाओ दूसरी भी। हम नहा धो के रेडी हो चुकी है और मैं भी अभी बिल्कुल इतना कौन नहाता है भाई, कौन नहाता है? तुम्हारे बाल बड़े चिपड़ू लग रहे हैं आज। 10:15 हमने शुरू किया था पूरा तैयार होना और 11:30 इसने पूरा गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना टाइम भूख लगनी भाई, बेचारे को कुछ खिला। और देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है अभी, कमरा हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, टन टना टन, आज इसने सेट किया है। भूख लगी, लाइट तो बंद करने दो, लाइट सेव लाइट ना, आज मजा आ रहा है। धूप इतनी है ना, हर जगह जगह पे धूप आ रही है, हर कमरे में जहाँ मर्जी बैठ जाओ धूप ही धूप है। 10:45 और ये है चाय जो बनाई है सौरभ ने, ये है गुड़ जो वो भी हेल्दी है। अनहेल्दी खाएंगे ना अभी, अनहेल्दी क्यों खा, पिज्जा खाएंगे ना वो तो बाहर जाके फिर खा लेंगे और क्या। और अभी हमारी पूजा भी हो गई है। लेट लतीफ आजो, मैडम जी आजो, प्लीज निकलो बाहर। सेवन एनर्जी तो ठीक है, पर ये मतलब थोड़ी है कि आधा तक घंटा बाहर ही नहीं निकल। तो भाई बाहर आ गए अभी हम, और सौरभ कह रहा है कि कुछ वैलेंटाइन लेना पड़ेगा यार, वैलेंटाइन का कोई गिफ्ट, वीक का कोई गिफ्ट लेना पड़ेगा। भाई कौन बंदा था जिसने ऐसी चीज बना दी, पूरा एक हफ्ता टॉर्चर लड़के के ऊपर। ये इनका ही त्योहार है शायद, ब्रिटिश लोगों का ही है ना, पता नहीं किसका है। मर्जी हो पर एक हफ्ते का टॉर्चर बाकी सारे बंदों के ऊपर। भैया नहीं भैया गलत बात है, मैंने इससे कभी कोई डिमांड नहीं की, ये ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर। को बता, मैंने सिर्फ बोला है लड़कियां कभी क्यों नहीं करती, क्यों मैंने तुम्हें सुबह दिया गिफ्ट अभी। हाँ तो फ्लावर डे आप गिफ्ट एक्सपेक्ट भी कर रही होगी कि मेरे को वापस रिटर्न कुछ मिले, वैलेंटाइन डे वाले दिन दे देना बस, और मत देना। भाई ये मुझे बोल रहा है कार्ड फैक्ट्री में चल, रखो वहीं से कुछ दिलवा देता हूँ। ये क्या मतलब, मतलब मेरे को गिफ्ट देना तो मेरे साथ में चलो, चूज कर लेना, वापस रिटर्न करने का पंगा नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि हर बार चलो पिछली बार बर्थडे पे भी नहीं दिलवाया, क्या सही है ये वाला वैलेंटाइन डे वाला दिन दे देना प्लीज, ये वाला ये प्लीज, ये वाला हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये बड़ा बड़ा वाला क्यूट लग रहा है ना इस ड्रेस के साथ, ये मुझे हाँ वैलेंटाइन वाली ज्यादा के ड्रेस के साथ।
सही है ना। और कप नहीं लेने हमें, हो गए बड़े कप यार दीक्षा, एक कप और पूरा दिन कॉफी पीते हो। पूरा दिन कॉफी पीते हो। इतनी कॉफी की आदत सही नहीं है, दिस इज एडिक्शन देन। ये तेरे लिए सही है। एक ही चीज बेस्ट है देख, इसमें चॉकलेट भी है। अच्छा। रोज भी हो गया। अच्छा। और साथ में हग भी लिखा हुआ है, तो आराम से एक ही चीज से सारे गिफ्ट इकट्ठे हो गए, पूरा हफ्ता सेलिब्रेट हो गया। कंजूस वाले, कंजूस वाले। और है भी सबसे बेस्ट पता क्या है, एक पाउंड का भी है। लगे सुंदर सुंदर फूल, एक तो ये मुझे बुके मिल रहा है, प्यारा लग रहा है। और एक तो नीचे भी है पूरा बुके। और ये कितने का भाई? ये 5 pound का है। दैट इज नाइस। सौरभ को पकड़ गए। चलो जी, सौरभ खुश हो जाएगा। सौरभ ये लो, हैप्पी रोज डे। इतने फूल मिल रहे हैं ना सौरभ को। सौरभ इसका बिल पे कर देना, बस इसकी फोटो खींच ली। बिल पे कर देना। को ऑफिस नहीं जाना है। तेरे ऑफिस की बस है, आज नहीं जाना है। अच्छा अभी नहीं जाना है। गाइस अभी शाम के ना मतलब 5 ही बजे और पूरा अंधेरा हो गया है। थोड़ा बहुत घूमते फिरते पता ही लगा कब टाइम हो गया। हमने लिया ब्लैंकेट ब्लैक वाला, रोज डे वाले दिन लोग रेड कलर की चीजें लेते हैं, ये ब्लैक कलर की चीजें लेता है, काला दिल इसका। एक काम करते हैं कुछ खाने का ले लेते हैं यार, इतनी ठंड है, कौन जाके घर जाके बनाएगा। अपना थेपला ले लेते हैं, बेस्ट है। पीना बनाने से अच्छा है। ठीक है भैया, थेपले ले लो, थोड़े बहुत पकौड़े रोटी खा खा के बोर हो गए। हाँ चल थेपला ले लेते हैं, कुछ थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा ले लेंगे, पकौड़े खा लेंगे। आ गई हमारी ओम कार की शॉप, यहाँ पे हम जा रहे हैं थेपला लेने। चलो भी चलो। ओ देख मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा थेपला लेके चलते हैं। ये मैं बताती हूँ क्या नाम, सॉरी आपका नाम भूल गई मैं। मैंने इनको रेकमेंड किया चांदनी कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे खा के आओ। कहते हम सिर्फ गायत्री में सामान लिया है तो हम लोगों को नहीं पता ये शॉप में क्या मिला। मैंने कहा अंदर जाओ, वहाँ जाके हमारा नाम भी ले लेना, उनको पता है। इनको जानती है ले लेते हैं। चले भी चले, चलो भी। ओके गाइस, सी यू लेटर, एंजॉय। बोलो जी कंबल निकालो जी, निकालो निकालो। फाइनली अभी हम पुराने कंबल को करेंगे अलविदा और नए कंबल को करेंगे हैप्पी न्यू ईयर। चीता कंबल, चीता चीता कंबल, आराम से खोलना, चेंज ना करना पड़े। ये चेंज नहीं होता। ओ इनकी शॉप बेसिकली वो शट डाउन होने वाली है तो चेंज नहीं होगा इनमें। अच्छा दिखाओ अंदर से कैसा है, छोटा तो नहीं आया ना बस साइज में? नहीं नहीं। सही आ गया है, बढ़िया। और अपने इसके साथ मैच भी कर जाए। अभी आया ये नया कोरियर और इसको हम करते हैं ओपन। नया नया परचेज किया है अमेज़न से। हाँ गाइस एक्चुअली हम लोगों ने ये वाटर फिल्टर ऑर्डर किया है। जो लोग भी यहाँ पर नए आ रहे हैं ना उनको बता देते कि देखो आप टैप का पानी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है ना कि देखो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर टैप का पानी पीना शुरू किया था ना तो हमारे पेट में थोड़ी स्टमक में पेन लेनी शुरू। हमने तो वाटर सॉफ्टनर भी लगवाया हुआ है अपने घर में बट स्टिल हम लोगों को थोड़ा सा सेफ फील नहीं हो रहा था। हमें लगा था कि नहीं नहीं हमें वाटर फिल्टर ही चाहिए क्योंकि इंडिया में हर घर में लगा होता है वाटर फिल्टर। यहाँ पर ना हमने देखा कि किसी भी घर पे यहाँ पे वाटर वो फिल्टर होता है ना इंडिया में, जैसे कि कोई ओरा वगैरह, ओरो होता है ना, ये वो, अरे वो हिमामेली वाला कौन सा था, वो नहीं लगे होते यहाँ पे, कोई बहुत से ब्रांड है। तो यहाँ पर तो यहाँ पे लोग पता करते हैं कि ये वाटर फिल्टर बनवाते हैं जग वाले। हमारे पास ऑलरेडी एक वाटर फिल्टर जग था, अगर आपको यहाँ पे बड़ा कॉमनली मिलता है ये प्लास्टिक वाला जो है, ये है प्लास्टिक का। हमें था कि यार हमें प्लास्टिक वाला अवॉइड करना है, इसलिए हमने इस बार शीशे का मंगवाया। ओके okay. क्योंकि ये मेरा था कि प्लास्टिक अवॉइड करके थोड़ा लेट्स गो टू ग्लास, प्लास्टिक से जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा भी मंगवाया है साइज में ताकि पूरा एक दिन भी थोड़ा निकले बड़ा रहे। और हमने कौन सी कंपनी मंगवाई है, ये मंगवाया फोक्स का मंगाया है। ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, ये बस हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं आप लोगों को कि भाई जब लोग नए आते हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज आप ध्यान में रखें। तो हो गया जग जो मैं खोल के इसके अंदर फिल कर रहा हूं, एक्चुअल कार्टेज तो ये है, एक कार्टेज ही जो है जो वाटर को फिल्टर करेगा। तो ये मत समझिए क्योंकि सिर्फ जग फिल्टर करता है, दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट। तो हमने मंगवाया ये फोक्स कंपनी का मंगवाया हमने। ये वाला जो रोज है ना ये तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल तक तो ऐसे ही चलने वाला है ना मेरी चा। रोज डे का मजाक बना के रख दिया है, रोज डे हो गया, वैलेंटाइन डे की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है।
अंदर से देखो दिल से प्यार करता हूँ, ये मटेरियल चीजें कोई काम की नहीं है। और काम करो, हाँ, थेपला खाओ, हाँ, भूख वही लग रही है। गाइस हमारा तो रोज डे खत्म हो गया, रोज डे हमारा रोज डे तो खत्म हो चुका है, पूरा घूम फिर आए। हम अपना नेक्स्ट डे मनाएंगे जो भी रहेगा, वैलेंटाइन डे पे विल डू समथिंग स्पेशल। बाय बोलते हैं आप लोगों को, हैप्पी रोज डे ईच एंड एवरीवन। जितने भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेटली आप अपने भगवान जी के आगे भी फूल रख सकते हैं, रोजेस रखिए, अपनी मम्मी को दीजिए रोज, जो भी मतलब गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, सबको दे सकते हैं रोज डे, तो मतलब रोज डे ही है। तो भाई फादर को भाई को उनको भी दो ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कियों को देना है, किसी को भी दे सकते हैं। तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम गाइस, एंड बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब।